फुल प्रूफ तरीके से करना है, ये छोटी बात नहीं है। ये आयोग के पूरे टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर तिवारी के हैं, शर्मा जी आयोग के सचिव हैं, और तमाम जो पीछे में जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो पीछे में तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, ये एक तरह से इतिहास इन लोगों ने बनाया। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि कैसे ये एक इतिहास बना है। परीक्षा हमारी संपन्न हुई 24, 25, 26 अगस्त को, और अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 60 दिन भी अभी नहीं हुए हैं, और हम लोगों ने 43 पेपर विषय उसका परीक्षा फल बना लिया है, और सभी में सभी कैंडिडेट्स को हम लोगों को जिला भी आवंटित करना था, इनको 38 कर दीजिए, तो हर जिला के लिए भी हम लोगों ने सूची बना लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने परीक्षा फल घोषित हुए हैं सब में जिला भी हम लोगों ने आवंटित कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो 43 प्रश्न अगर विषय अगर मान लें, उसको ये मान लें, तो एक दिन भी अगर एक पर लगाएं अगर तो इससे अधिक इतना पास हो सकता है। दूसरा ये भी कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिजल्ट्स नहीं दिए गए, ये प्रथम हुआ है। दूसरी बात जो लोग कहते रहे कि हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया क्वालिफाइंग कट ऑफ 75% हासिल करने के लिए इस उद्देश्य से, और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य होगा, और ये बात तो हम लोगों को भी अनुमान था कि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं, और उन्हें ये इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहने का, और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे। जबकि कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही एक दो तीन ही विषय छोड़ करके, और उसमें निश्चित तौर पर वो प्राथमिक का जो मामला था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं, किसी भी विषय में एक दो विषय को छोड़ करके और एक दो मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं, और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की बात भी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की वानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है, और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों नज़र में नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आज जो हम इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिजल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हम लोगों ने 11, 12 और 9, 10 का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियाँ कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियाँ हुए, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो उन्होंने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे थे
इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ही अप्रमाणित पाया गया, और जिनका अप्रमाणित पाया गया उसके डॉक्यूमेंट्स की जब हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने जब जांच किया तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बाहर किए गए हैं, और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए बड़े पैमाने पर कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन कई ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ था, उन लोगों का भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब यह हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एक्ट लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता।